अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स, व्यूअर्स, होम्योपैथिक लवर्स। आज हम बात करेंगे अमोनिया म्योर होम्योपैथिक मेडिसिन। अमोनिया म्योर्स इंटेलेक्चुअल टाइप होते हैं, ये अर्नेस्ट होते हैं। अर्नेस्ट का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सिंसेयर होते हैं। वो जो कुछ कहते हैं या करते हैं उनमें हमेशा मुखलिस होते हैं, पुरखलूस होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे जो एतकाद हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दे लाइक टू रीड, स्टडी एंड दे लाइक टू टॉक अबाउट देयर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्स्टिनेट होते हैं, जिद्दी होते हैं। किस मामले में जिद्दी होते हैं? कि हमेशा वही सही है, दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें और एडमायर करें। लव टू बी एडमायर्ड, नॉट लव्ड। ये इनको इस चीज से प्यार होता है कि दूसरे इनसे इनकी तारीफ करें, प्यार ना करें। सो लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ, तो इस लिहाज से इनके अंदर इमोशनल, इनके अंदर जज्बात, इनके अंदर जो गर्म जोशी होनी चाहिए, जज्बात की गर्म जोशी होनी चाहिए, दूसरों के लिए प्यार होना चाहिए, वो इनके अंदर नहीं होता। तो ये अमोनिया म्योर, अब हम इसकी तरफ चलेंगे जो हमने रूब्रिक डिस्कस करनी है। सिंथेसिस रिपर्टरी में ये सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है, डिल्यूजन स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर द हेड। डिल्यूजन मीन फॉल्स बिलीफ, स्वॉर्ड तलवारों कहते हैं, हैंगिंग ओवर हेड मीन कि सर के ऊपर लटक रही है, सर पे तलवार लटक रही है। इसका आइडिया, इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, तो डेमोक्लिस एक ग्रीक हीरो था, उससे एक जुर्म हो गया, तो उसके मुआशरे ने और उस वक्त का जो किंग था, उन्होंने जो इसके लिए पनिशमेंट या सजा मुकर्रर की वो ये थी कि हम इसको कत्ल नहीं करेंगे, हम इसको एक दरख्त के नीचे खड़ा कर देंगे और इसके सर के ऊपर एक तलवार लटका देंगे जो बड़ी तेज तलवार होगी। और तलवारों किससे लटकाया जाएगा? एक बारीक धागे से। तो जब ऐसा किया गया तो डेमोक्लिस के तो पसीने छूट गए, उसने कहा ये तो तलवार किसी वक्त भी गिर सकती है और मुझे मार देगी, इसी वजह से उसके पसीने छूट रहे थे। तो अब इस ये जो रूब्रिक है, माइंड की रूब्रिक है, डिल्यूजन स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर द हेड, अमोनिया म्योर, इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है। खतरे की घंटी, इसके अंदर ये फीलिंग होती है कि खतरे की घंटी बज रही है, मैं खतरे में हूं, मेरे ऊपर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, किसी कंपनी में वो काम कर रहे हैं और उनकी वो चल रही है, इंक्वायरीज चल रही होती हैं, कहते हैं यार किसी वक्त भी ना मुझे कंपनी टर्मिनेट कर सकती है, बस अब तो मुझे यही खतरा लगा हुआ है कि किसी वक्त भी कंपनी मुझे टर्मिनेट कर सकती है। इसी तरह एक कंपनी अगर क्राइसिस में चल रही है तो वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अंदर ये फियर एक डिवेलप हो जाता है कि जी किसी वक्त भी हमें टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी वक्त भी कंपनी हमें डिसमिस कर सकती है सर्विस से। और बहुत सारे इस रिलेटेड रूब्रिक के साथ एग्जाम्पल कोट की जा सकती हैं। हम अमोनिया म्योर को डिस्कस कर रहे हैं, तो अमोनिया म्योर को ऐसा क्यों फील होता है? इसकी बैक पे इसकी अडेप्टेशंस होती हैं, एम्बिशंस लॉस होते हैं इसके, कहीं ना कहीं ये अब्यूज होता है, इसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, या और कोई इसकी रीजन हो सकती है। तो ये पेशेंट अमोनिया म्योर शिजोफ्रेनिया में चला जाता है। शिजोफ्रेनिया कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर को, और इसमें पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, इस तरह की फॉल्स फीलिंग आती है जिनका रियलिटी के साथ ताल्लुक नहीं होता। अब अमोनिया म्योर में क्या शिजोफ्रेनिया पैरानॉइड है?
हर एक की डिफरेंट शिजोफ्रेनिया की स्टेट्स होती हैं। इसमें जो इसका फॉल्स बिलीफ है वो ये है कि एनमी जनरल बेड अंडर द एनमी, मेरे बेड के नीचे एनमी घुसा हुआ है, दुश्मन घुसा हुआ है। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर हमारे अंदर जब ये फीलिंग्स आती हैं तो हमें कैसे नींद आएगी, हम कैसे सुकून से रहेंगे, कभी भी नहीं। तो ये अमोनिया मेयर का शिजोफ्रेनिया स्टेट है। फ्राइटन इजीली ट्रिपल जेड, छोटी छोटी बातों पे खौफ ज्यादा हो जाता है। थॉट्स टर्मेंटिंग पास्ट डिसएग्रीबल इवेंट्स अबाउट, इसकी माजी में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो इसके लिए अच्छे नहीं होते, उन्हीं की सोचें से आती रहती हैं, उन्हीं सोचों से ये तंग होता रहता है। फियर पीपल ऑफ, इसे लोगों से खौफ आता है। फियर किलिंग ऑफ, इसे ये डर होता है कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। फियर लाइफ लॉन्ग, कहता है ये फियर तो, ये खौफ तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। डिल्यूजन बेड, समवन अंडर द बेड समवन, वो ये समझता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है। एनिमीज अंडर, दुश्मन घुसा हुआ है। डिल्यूजन फॉलिंग साइड टू वन, मैं एक साइड पे गिर रहा हूं। डिल्यूजन मर्डर, ही विल बी मर्डर, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। डिल्यूजन इंसेक्ट सीज, कहता है मैं ये कीड़े मकोड़े हशरात देख रहा हूं। अब ये कीड़े मकोड़े या हशरात क्या करते हैं, आपको ऐसा ऐसा खा जाते हैं। तो इसको ऐसे लगता है कि ये मेरे दुश्मन मेरे बेड के नीचे घुसे हुई हैं, इसके आईपीआर हैं, वो इनको ये इंसेक्ट समझता है। डिल्यूजन फायर, हेड इज सराउंडेड बाय, हेड मीन आपकी बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, फायर आग। अब जाहिर है आग जब इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, आपका सर जल जाएगा, आपकी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो ये कहते हैं एंग्जाइटी पैरालाइज एस, मुझे ऐसे लगता है, मुझे इस चीज की परेशानी है कि मैं हरकत नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, एक जगह पे स्टिल हो गया, कांस्टेंट हो गया। सेंसिटिव मेंटल, ओवर सेंसिटिव इमोशनल सर्टन पर्सन, ये कुछ लोगों से, कुछ चूंकि इसके अंदर फियर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होता है, कौन से पीपल हो सकता है जिन्होंने इसको डिसऑर्डर किया हो, जो इसके लिए परेशानी का सबब बने हो, जो इसके लिए बीमारी का सबब बने हो, या जिन्होंने इसके रास्ते में कोई रुकावटें डाली हो। अब ये क्या करता है, उन लोगों के साथ सेंसिटिव होता है, इमोशनल सर्टन, जज्बाती तौर पे सेंसिटिव एहसास हो जाता है, उन लोगों से मिलता नहीं है, उन लोगों से दूर हो जाता है। तो बेसिकली ये थी अमोनिया की शिजोफ्रेनिया स्टेट। इसको, इसके ऊपर कौन से खतरे मंडला रहे होते हैं, फियर किलिंग ऑफ, फियर लाइफ लॉन्ग, और इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, फॉल्स बिलीफ होते हैं। तो ये था अमोनिया म्योर, कि अमोनिया म्योर को क्यों ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, वो खतरे की स्टेट में है। थैंक यू वेरी मच, हम मजीद नई वीडियोस के साथ आएंगे।